और भाई साहब क्या हालचाल, एक बार फिर आपके लिए स्मॉल कैरेक्टर ग्लिच लेकर आ गया हूँ। और ये जो ग्लिच है ये पॉसिबल भाई हमारे कर पाए हैं स्टार भाई 47, जिनकी मदद से आज मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, फिर आप बाद में कमेंट में लिखते हो कि तुम्हारा ये जो ग्लिच है ये वर्क नहीं किया फलाना फलाना, फिर आप गालियाँ भी देते हो, तो भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, फिर जाके आप मेरी वीडियो को कमेंट में, अगर आपसे ग्लिच होता है तो भाई मेरी वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करना। अब आपको बस ये जो बाइक है आपको ह्यूमन लैब में कुछ इस तरीके से लानी है, ठीक है। और इस ट्रिक को आपको करने से पहले आपके आपके पास एक पेन किलर और एक एनर्जी ड्रिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही ये ट्रिक वर्क करेगी। और अगर आपने BGMI को अपडेट कर लिया है तो भी ये ट्रिक भाई वर्क करेगी, अगर अपडेट नहीं किया है तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। अगर आप जायरो प्लेयर हो, सबसे पहले आपको जायरोस्कोप ऑफ करना है और फिर अंदर आके आपको यहाँ सबसे पहले आपको एनर्जी ड्रिंक पीनी है। फिर ये करने के बाद आपको एक पेन किलर लगानी है और जैसे ही 0.1 सेकंड रहते होंगे आपको तभी ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस जैसे ही आप इस इंसेट में बदल जाओगे तो आपको बस करना क्या है, बस बाहर आपको 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड का आपको वेट करना है। और दोस्तों ये बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है, ये 2 जुलाई को मैं अपलोड करने वाला हूँ। हो सकता है अगर आप इस वीडियो को 3 जुलाई में देखें तो हो सकता है कि ये जो ग्लिच है फिक्स हो जाए, तो फिर आप कमेंट में मेरे को बोलो कि भाई तुम्हारे ये जो ट्रिक है ये वर्क नहीं करी, ठीक है। तो पहले ये ट्रिक आप अप्लाई कर लेना और फिर कमेंट में आके मेरे को बताना कि कैसी लगी ये ट्रिक, ठीक है। और इस वीडियो क्रेडिट जाता है स्टार बाई 47 को। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सीधा ड्राइव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बाइक को कुछ इस तरीके से बाहर लेकर आना है और बाहर लेने के बाद जैसे मैं मोड़ के बाइक यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपको भी कुछ इस तरीके से आपको बाइक यहाँ पे लगानी है। और लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे सीधे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म में क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे स्मॉल कैरेक्टर का ग्लिच जो है वो हो जाएगा। अब ग्लिच होने के बाद अब भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप जो कोई भी आप सामान वगैरह किसी भी सामान की आप लूट नहीं कर पाते हो। अब ये देखिए मैं यहाँ पे एग्जिट किया और ये मेरे साथ ही ग्लिच हो गया, लेकिन मैं कोई भी लूट नहीं कर पा रहा। अब लूट करने के लिए आपको सीधा यहाँ पे ड्राइव वाले बटन पर प्रेस करना है और अपनी गेम को आपको रिसेंट ऐप से कट करके आपको एक बार फिर से गेम को रिस्टार्ट करना है। और जैसे अब आप इस गेम को रिस्टार्ट करोगे तो रिस्टार्ट करने के बाद आपके साथ ये स्मॉल कलेक्टर वाला ग्लिच हो जाएगा। और भाई साहब अब फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी फेक वीडियो नहीं है, ठीक है। ये 2 जुलाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में आप मुझे कमेंट में मत बोलना। आपको यहाँ पे एंटर मैच अगेन पर प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपके साथ ये जो ग्लिच होता था जिससे आप लूट नहीं कर पाते थे, तो भाई साहब आप इसके बाद आप बड़े ही आराम से लूट कर पाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे अब एग्ज़िट किया, एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे DP पड़ी हुई थी तो मैंने DP भी बड़े ही आराम से उठा ली। तो भाई ऐसी इससे भी कई ज़्यादा अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड की हुई हैं, एक बार उन्हें भी जाके ट्राई ज़रूर कर लेना। और भाई इस वीडियो का एक बार फिर कहता हूँ, इस वीडियो का क्रेडिट स्टार भाई को जाता है, स्टार भाई 47 को जाता है, जिनकी मदद से आज मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। थैंक यू स्टार भाई। और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे चैनल पर भाई डेली अपलोड होती रहती है, तो उसके लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज़।